हेलो हेलो जैसे हम बोल रहे हैं औरंगी टाउन सड़क जा रहे थे डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस बिहारी कलकत्तवी। अरे कुद्दूस साहब आप एक बात तो बताएं, आप डॉक्टर कब से हो गए? जब से होम्योपैथी का काम सीखा है ना, लोग हम पर डॉक्टर डॉक्टर कहने लगे। अरे हम तो अखबार में मशवरे भी तैयारी करने लगे। बस दुआ कीजिए जल्दी से प्रोफेसर वगैरह हो जाए। प्रोफेसर? हाँ जादुई कमालात भी सीख रहे हैं आजकल अपने प्रोफेसर एमए मुजाहिद से। मुजाहिद से? मुजाहिद नहीं है तो ये शुद्ध वाला उससे। अच्छा खैर चले छोड़िए, ये बताइए सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत कहाँ की, मुल्क के हालात ही सही होके नहीं दे रहा। केबल पर सारे चैनल बंद हो गए हैं, ना जी आ रहा है ना सोनी। अब तो बिफोर यू देखे भी कई दिन हो गए। अब तो कभी कभार बेवॉच देख के टाइम पास कर लेते। बेवॉच? हाँ तुमने नहीं देखा? अरे सारी दुनिया देख रही है, इंडिया की हीरोइन इसी की तो नकल कर रही है। जी हाँ बस अच्छा ही हुआ ये वाहिया चैनल बंद हो गए एकदम। अच्छा खैर चले छोड़िए, ये बताइए कि शादी कब कर रहे हैं आप? अरे कौन सी शादी, कैसी शादी, हम तो पहले से शादीशुदा हैं। अरे हमको तो आज पता चला कि आप शादीशुदा हैं। बच्चे कितने आपके? अरे बच्चों का क्या पूछते हो, किसी को अल्लाह छप्पर फाड़ के रुपया देता है, हमको बच्चे दिए इतने दिए हैं कि तहे लगा के सुनाना पड़ता है। वैसे माशाल्लाह कितनी तहे लगाते हो? कोई 15। क्या 15 बच्चे हैं आपके? हाँ टेंशन बहुत है ना, महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई का बच्चों से क्या ताल्लुक, आप क्या बच्चे बेचते हैं? क्या कर रहा हूँ, आपको क्या बर्दा फरोज रखते हैं? भला अपना खून भी कोई बेचता है क्या? क्यों नहीं, हीरोइन जी नहीं बेचते जिना अस्पताल के बाहर? अरे बाप, हमको हीरोइन चोर मिला रही, हम हीरोइन पीते हैं। अरे हम तो मैंड्रैक्स खाते हैं। मैंड्रैक्स? अच्छा ये बताइए कुद्दूस साहब, आपके 15 बच्चे कभी आपको मंसूबाबंदी वालों ने समझाया नहीं? समझाया था, मंसूबाबंदी वालों की तरह से अल्लाह की बंदी आई थी हमें समझाने के लिए। पहले उसने हमें समझाया, फिर बाद में हमने उसको समझाया। फिर क्या, हमारे 4 बच्चे उस औरत से भी हो गए। क्या? हाँ शादी कर ली ना हमने उस औरत से। आप तो आदि मुजरिम लगते हैं, आप तो अपने भी दुश्मन हैं, औरत के भी और मुल्क के भी। क्या कह रहे हैं आप, तौबा कीजिए। अरे ज्यादा बच्चा होना कोई जुर्म वुर्म नहीं है, इसमें मुल्क का फायदा है। इतने बच्चों का मुल्क को क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। अब देखिए ना, दुश्मन सरहदों पर खड़ा है हथियार लेके, अगर अचानक दुश्मन मुल्क ने हम पर हमला कर दिया तो हम तो है ना, मैं जहाद करूंगा, अपने बच्चों को सरहदों पर भेजूंगा, अगर वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो हो जाए, मैं तो हूँ ना, फिर जहाद शुरू करूंगा। इसका मतलब है ये जहाद जारी रहेगा। वैसे आप जैसे लोगों ने ना जहाद के मुकद्दस नाम को बदनाम करवाया कुद्दूस भाई। देखिए ये क्या बकवास कर रही है, भाई भाई मत कीजिए हमको। क्यों? क्योंकि बच्ची क्या पता कि आपसे भी हमारी शादी हो जाए और 15-16 बच्चे आपसे जी भी। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा छोड़े, एक काम करेंगे जी, हमारी तरफ से मछली की दावत कर रहे हैं हम आपकी। कहाँ पे? सीवीओ पे आ जाइएगा। सीवीओ पर मछली की दावत, वो तो बहुत महंगी पड़ेगी ना। अरे महंगे होंगे काहे की, वो इतनी बड़ी मछली नहीं आई हुई, वो बड़ी 150 टन की 14 गज लंबी, उसमें से थोड़ी मछली तोड़ेंगे, तलेंगे, खाएंगे, आज करेंगे। बस एक काम कीजिएगा, अपने घर से चावल पका के ले आइएगा। क्या? अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए। कहाँ? आपकी भाभी को अस्पताल छोड़ के आया था ना। अरे एक और इजाफा होने वाला है मुजाहिदों में। चलिए इसी खुशी में गाना।